इसको बांध दे। मम्मी लड़कियां व्लॉग देखती हैं, उम्मीदें लगाने लग जाएंगी मुझसे। क्या हो गया? ज्वेलरी पहना लेता हूँ बहुत अच्छी। तो क्या हुआ? अरे इसको लगा पहले। अच्छी लग रही हो। साड़ी भी मस्त लग रही है। यार नीचे मम्मी का तो हो गया, एक बार चाची को ऊपर देख कर आ जाते कि उनका हुआ है कि नहीं तैयार हुई है वो। ये पूजा का भी मैटर पूरा सज गया। प्रैक्टिस तो कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस हो रही है। अभी मम्मी को नथ पहना के आ रहा हूं। माय गॉड, ये भी कैसा है यार, ये कान में कैसे मैनेज करते हो? कान में पहनो, नाक में पहनो, जो 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 जगह दिख रही है सब जगह उसको पहनो। जो मुझे सबसे आगे रखा वो दिखेगा ना वही पहन लूंगा मैं। अभी अभी प्लान कर रही क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी। खैर लड़कियों का थोड़ा रहता ही है, लड़कों का तो क्या ही है, कोई ईमान कोई धर्म नहीं है ऐसी। इसे बताओ क्या बोलते हैं? इसे पहन के लड़कियां तगड़ी लगती हैं। जय गौरा माता की, जय बजरंगबली की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय कृष्ण भगवान की, शंकर नंदन दिखता थे श्री दुर्गाचार्य सारे, जय बजरंग, जय करपत माता की, जय गौरा माता की, जय। तो पूजा की बस अब स्टार्टिंग हो रही है, तो उसी का ही चाची दिए वगैरह जला रही है, टीका जो करना है वो हो रहा है। बस इसके बाद अब पूजा चालू हो जाएगी, फिर उसके बाद कथा होनी है। अब मम्मी टीका कर रही है और बाकी पूजा चालू कर रही है। भगवान की जय। वो करवा चौथ कहते हैं, इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं, और इन व्रतों के प्रभाव से उनका पति पुनः सदृश जीवित हो गया। बोलो करवा माता की जय। अरे वाली कर दो, सोने के गोबर वाली। जठानी थी, भगवान आए तो वो बोले बेटी क्या कर रही है, भोग भी लगाया, बड़े श्रद्धा से वो आशीर्वाद दे के चले गए। डुआ लगे, लड्डू खाया, फल खाए, सब खाए, उसको इतना गुस्सा आया, उसने उसे इतना मारा है की हालत ही खराब हो गई। आप करते करते चांद निकल जाएगा ऐसी। वो देखो चांद भी निकल के आ गया, इतना क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन हाँ निकल गया। Yeah.
आज तो बहुत जल्दी निकल गया यार चांद, एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी जल्दी, वरना बहुत देर से निकलता है करवा चौथ वाले दिन यूजुअली। बाहर के सेलिब्रेशन का पता नहीं, हमारे घर पे सारी चीज़ें बहुत तगड़े से सेलिब्रेट करी जाती हैं, और ये लोग को देखो एकदम पावर ही अलग होती है, एनर्जी अलग होती है इन लोगों की। तो अब बस फोटोशूट वाला चल रहा है, चांद वाला हो चुका है इन लोग का। मम्मी इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, मम्मी कह रही इंडिया जरूर आ रही है, पापा फोन देख रहे हैं ना बीच बीच में। कोई मतलब नहीं है इन लोग, ये लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच के चक्कर में आए हैं ऊपर, और ये लोग अपने फोटो शूट के चक्कर में प्रैक्टिस के टाइम पे जो सीखा भी नहीं है उससे सीख के जा रहे हैं भाई ये लोग। अभी वाली रस्म होती है कि एक प्लेट दूसरी को दे दी जाती है, मम्मी को देंगे आपको? अच्छा वो छोटी बड़े को देंगे ऐसा वाला होगा, सुहाग दे रहे हैं ना एक दूसरे को। अच्छा भाई दूसरे को सुहाग दिया जाता है, ऐसा लग रहा था पंचर हो गया गाड़ी के टायर। पहले मम्मी बजा लेती थी, बड़े पापा आ गए, बड़े पापा आ गए, बड़े पापा को इंडिया क्या आवाज़, संघ की आवाज़ से आ गए। कर लो प्रैक्टिस, कर लो प्रैक्टिस है बिहाइंड द सीन इन योर डांस का। बस
बस अब भोग लगाने के बाद अब सब नीचे सीधा चल रहे हैं दादी के पास। तो फाइनली ऊपर वाली पूजा जितनी थी वो सब निपट गई। मम्मी लोग नीचे आ रहे हैं, हम जा रहे हैं दादी के सामने, और उनको भी जो सास बेट का देना होता है वो सब देंगे ये लोग अपने हिसाब से। चलते नीचे, आज कितने आराम से उतरने, तो फट 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 नीचे उतर जाते हैं लोग। वैसे हिरनी बन के उतरते हैं दोनों। दादी मांगने वाली आई है, मांगने वाली आई है। मांगने वाली आई है, देखो भगवान है, बहू आई है, बहुएं। करवा चौथ है ना आज, बुला लो अंदर, बुला लो ऐसे क्या कर रहे हो। बहुओं का प्यार है दादी, बहुओं का प्यार है, छील के केला मिल रहा है आपको खाने के लिए। लड्डू दादी, लड्डू देखने से पहले कह रही, पहले मुझे नोट देखने दे। तो दादी को जो देना था वो सब तो दे दिया, पैर वैर भी छू लिया, सब कुछ हो चुका है। दादी नजर होता हाथ में कुछ था ही नहीं। अरे यार दादी तो दादी है भाई। आप झुके, मुझे लगा माता चूमने जा रही हो। तो मम्मी लोग का वही फाइनल वाला जो टचअप है खाने का वो चल रहा है, इधर छोले और भी कुछ बना हुआ है, वो सब तो प्लेट में जब लगेगा तब दिखाएंगे। अब इस बार मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को, इन्हीं लोग को बताने दो क्योंकि इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है भाई, सुबह से भूखे रह रहे कर ये सब बना रखा है। चलो बताओ भाई क्या क्या बना है। और ये क्या मम्मी? ये स्पेशल चीज है, ये है तली हुई मिर्च है, नींबू का। अरे यार बहुत टेस्टी बनता है, तुम लोग को भी ट्राई करना। मिर्चों को पता ही क्या, तल लो फिर उसके बाद नींबू डाल दो, थोड़ी सी इसमें से चाहो तो नमक भी डाल सकते हो ऊपर से। और बाकी सब्जी कौन कौन सी, सब्जी तो बता दो। यार इस बार हम लोगों ने ना बिल्कुल सिंपल ही खाना रखा है क्योंकि मटर पनीर और ये सब बहुत दिनों से चल रहा है तो बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसीलिए प्लेन खाने का बोला था हमने इनको, जिसकी वजह से गोभी रायता और आलू टमाटर की सब्जी बनाई है। दादी खाना, अरे बुआ जी ने खुद कहा था ना एक ही पूरी देना, इसी वजह से खा लो दादी। ठीक है गुड नाइट।